ये क्या है? और अभी तो रुको, कैसी लगी? मजा आया, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो वेलकम गाइस, आप सभी का हमारे एक और ब्रांड न्यू अपडेट वाली वीडियो में आज किस फ्लो के से में तगड़े तगड़े इवेंट्स ना मैं अपडेट देने वाला हूं, जो कि आप सभी को अपने ग्रीन ऑफ फ्री फायर में आने देने में देखने को मिलने वाले हैं। एंड मेरे भाई, अगर आप लोग आज किस फ्लो को कंप्लीट वॉच कर ले तो मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आप लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। हाँ मेरे भाई, आप लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। बाय द वे, लोग बात करने वाले कि आप लोग को अपने सर्वर के ऊपर अपना रेबल एकेडमी का इनक्यूबेटर कब तक देने को मिलेगा। जैसे हमें काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भाई का क्वेश्चन हो रहा है कि अपने इंड सर्वर को अपना रेबल एकेडमी इनक्यूबेटर कब रिटर्न आएगा, एंड काफी सारे बंदों के पास इस वाले इनक्यूबेटर का ब्लूप्रिंट वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो चाहते हैं रिटर्न आ जाए। वैसे यहाँ पे काफी सारे बंदों के साथ मैं खुद भी चाहता हूँ कि अपना ये वाला इनक्यूबेटर रिटर्न आ जाए, तो अपने इंड सर्वर को ये वाला इनक्यूबेटर रिटर्न कब आएगा एंड कौन सी डेट को रिटर्न आएगा, एंड आप लोग को इस वाले इनक्यूबेटर के लिए कितना वेट करना पड़ेगा उसके बारे में फुल टू फुल एंड आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे लो। यहाँ पे अपने एवोल्यूशन M1040 रिटर्न को लेकर काफी ज्यादा अपडेट्स निकल के आ रही है कि आप लोग को अपने इंडस सर्वे के ऊपर अपना M1040 का एवोल्यूशन गन स्किन है ना, वो आप लोग को जल्द ही रिटर्न बैक देने को मिलेगा। एंड ये सुनने के बाद मुझे पता है आप लोगों से यहाँ पे तो गाइस अपने एवोल्यूशन M1040 रिटर्न को लेकर मैं आप सभी को अपडेट दूंगा कि आप लोग अपने इंडस सर्वे के ऊपर अपना जो एवोल्यूशन M1040 है ना, वो आप लोग को कब तक रिटर्न देने को मिलेगा, एंड यहाँ पे कौन सा मंथ तक रिटर्न आएगा, आप लोग को इसका कंफर्म डेट वगैरह क्या होने वाला है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन एंड जानकारी वगैरह देना। रैम्पेज थीम पर बेस्ड इवो बंडल का यहाँ पे कंफर्म डेट निकल के आ चुका है कि आप लोग को अपना जो रैम्पेज थीम पर बेस्ड इवो बंडल देखने को मिलने वाला है उसका कंफर्म डेट यहाँ पे निकल के आ चुका है कि इस डेट को आप लोग को देखने को मिलने वाला है। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके साथ यहाँ पे उसका फुल रिव्यू भी निकल के आ चुका, मतलब अपना जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो इसके ओपन होने के बाद अपना जो एवोल्यूशन बंडल का रिव्यू कैसा होने वाला है एंड उसका जो चार इमोट्स वगैरह सब कुछ आप लोग को आज की इस फोन में अपना जो एवोल्यूशन बंडल होने वाला उसका आप लोग को फुल रिव्यू देने वाला हूँ। बड़ी अच्छी बात, प्लस आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कब तक आएगा अपने इंडस्ट्री में रैम्पेज थीम पर बेस्ड अपना M1040 का रिटर्न इनक्यूबेटर कब तक आएगा उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वगैरह दूंगा कि कब तक एंड आप लोग को इस वाले रिटर्न इनक्यूबेटर के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके साथ आप लोग को अपने फ्री फायर के अंदर जल्दी एक ब्रांड न्यू फिस्ट का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा ओपी एंड काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। कैसा फिस्ट का स्किन होगा उसका रिव्यू भी देने वाला हूँ, प्लस आप लोग को बताने वाला हूँ कि कब तक अपना ब्रांड न्यू फिस्ट का स्किन आएगा एंड कौन से इवेंट में आएगा, ठीक है। अपन बात करेंगे और भी छोटे मोटे अपडेट्स को लेकर, बात करेंगे 2 मिनट अपडेट को लेकर, मतलब आज 12 बजे के बाद आप सभी को अपने फ्री फायर के अंदर कौन सा इवेंट या फिर कौन सा अपडेट देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर ही दिया, वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को फटक से एक लाइक करना, मेरे साथी जन पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लेना, इसी तरीके का एंड सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले अपडेट देना चाहूंगा अपने एवोल्यूशन M1040 रिटर्न को लेकर, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास अपने जो एवोल्यूशन M1040 है वो यहाँ पे नहीं होगा, उन लोगों ने मिस कर दिया हुआ। क्या सोच रहे तेरी, आप लोगों को तो पता है यहाँ पे कुछ टाइम पहले अपने इंडिया से अपना जो M1040 का एवोल्यूशन गन है वो यहाँ पे रिटर्न आ चुका था, मतलब करीब यहाँ पे अपने नंबर में रिटर्न आया था जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड वापस अपना जो पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में अगर जो भी इवेंट आता है सो यहाँ पे उसके मतलब 10 से 15 दिन बाद ही अपने इंड से में जरूर से आता है, एंड अगर लक अच्छा तो यहाँ पे 4 से 5 दिन में भी आ जाता है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बात बोलूँ ना, तो देखो गाइस अपने इंडस में अपना जो एवोल्यूशन M1040 है वो यहाँ पे रिटर्न आने का कंफर्म नहीं है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश सर्वे के लिए कंफर्म है, सो यहाँ पे आप लोग को अपने इंडस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बन रही है, फिलहाल कंफर्म नहीं है लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटीज बन रही है, सो मैं आप लोगों को उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि बांग्लादेश सर्वे कोई भी इवेंट आता है तो अपने इंडस में आने की और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाती है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिलहाल कंफर्म नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे इंडस सर्वे को लेकर कोई भी कंफर्म न्यूज मत समझो, बांग्लादेश सर्वे के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी को मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे फिलहाल अभी 800 से लेकर 700 डायमंड आप लोग कलेक्ट कर लो, क्योंकि आप लोगों को कुछ ही दिनों बाद 8 जून से अपना जो एवोल्यूशन M1040 है उन लोगों को रिटर्न बैक को मिल जाएगा। अपने रेबल एकेडमी इनक्यूबेटर रिटर्न के काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भाई लोगों का क्वेश्चन वगैरह आ रहा था कि हम लोग अपने इंडस सर्वे के ऊपर अपना रेबल एकेडमी इनक्यूबेटर कब तक रिटर्न मिलेगा, तो वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बात बोलूँ ना, तो अपना जो रेबल एकेडमी का इनक्यूबेटर है वहाँ पर रिटर्न आने के बहुत ही ज्यादा कम पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, क्योंकि अपना जो रेबल एकेडमी का इनक्यूबेटर है इसको लेकर कोई भी यहाँ पे अपडेट एंड कोई भी न्यूज वगैरह निकल के नहीं आ रही, काफी सारे बाहर के सर्वे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत पहले रिटर्न आ चुका है, किसी में तो यहाँ पे स्पेशल रोल में रिटर्न आ रहा है एंड किसी में यहाँ पे अपना जो इनक्यूबेटर रिटर्न में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे ऑडियंस का डिमांड है अपने रेबल एकेडमी इनक्यूबेटर के रिटर्न को लेकर, तो बस वो बात यहाँ पे ग्रीना को पता है, मतलब आप लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे कि रेबल एकेडमी इनक्यूबेटर कब रिटर्न आएगा, तो बस वो बात यहाँ पे ग्रीना को अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग को यहाँ पे मतलब ऑडियंस को अपना ये वाला इनक्यूबेटर रिटर्न चाहिए, तो मे भी आप लोग अपना जब अपना फ्री फायर का 5th एनिवर्सरी आएगा ना, सो आप लोग को अपना जो रेबल एकेडमी इनक्यूबेटर वो वहाँ पे आप लोगों को रिटर्न बैक देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो मैं आप सभी से एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग यहाँ पे सिंपली वेट कर लो और थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग
लोगों पे करीब मेरे ख्याल से एक से लेकर दो मंथ तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा अगर आप लोग अपना ये वाला इनक्यूबेटर रिटर्न चाहिए तो ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे कॉन्टिन्यू सर्च करते रहो जिससे आप लोग यहाँ पे घृणा को भी पता चले कि हम लोग मतलब ऑडियंस को ये वाला इनक्यूबेटर रिटर्न चाहिए। तो गाइस हो सकता है आप लोग यहाँ पे सर्च वगैरह करने से घृणा को थोड़ा यहाँ पे एक्टिव हो जाए एंड आप लोग अपना ये वाला इनक्यूबेटर रिटर्न दे दे। बाकी मेरे ख्याल से ये वाला इनक्यूबेटर है ना अपने एनिवर्सरी इवेंट के दौरान आप लोग को अपना रिटर्न देखने को मिल सकता है। उससे पहले आने की कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी अपने प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता है। काफी सारे बंदों को हमने क्वेश्चन था एंड काफी सारे बंदों के मन में डाउट था कि हम लोग अपना रैंपेज थीम पर बेस्ड वो बंडल देखने को मिले वो हम लोग को कब देखने को मिलेगा। तो बस अब आप लोग यहाँ पे ज्यादा सोचने वाले की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे फाइनली इसका डेट निकल के आ चुका है एंड कल वाली वीडियो के अंदर मैं आप सबको जैसे कि बताया था कि जब अपना रैंपेज इवेंट स्टार्ट हो जाएगा उसके 10 से 15 दिन के बाद ही आप लोग अपना रैंपेज वो बंडल अपने टोकन देखने को मिलेगा एंड फाइनली ऐसा डेट निकल के आ रहा है कि इसका जो हमारा 25 जून को अपना जो रैंपेज थीम पर बेस्ड है ना वो हम लोग अपना वो बंडल अपने टोकन देखने को मिलेगा। मतलब 25 जून इसका कन्फर्म डेट फिलहाल तो लीक्स निकल के आ रहा है ठीक है। आगे इसको लेकर कुछ चेंजेस भी हो जाए तो मैं आप सबको जरूर से अपडेट कर दूंगा। बाकी आप लोग इसका फुल रिव्यू भी देख सकते हो कि अपना जो ईवो बंडल का फुल रिव्यू कैसा होना है अंदर का इंटरफेस कैसा होना है इसका चारों चारों इमोट्स भी आप लोग देख सकते हो। आप सभी को रैंपेज इवेंट के दौरान रैंपेज थीम पर बेस्ड ब्रांड न्यू फिस्ट का स्किन देखने को मिलेगा जिससे कि आप लोग अपनी स्किन के ऊपर देख सकते हो कितना ज्यादा ओपी फिस्ट का स्किन लग रहा है जिसमें आप लोग को टू कलर देखने को मिलेगा। मतलब एक ही फिस्ट के अंदर आप लोग को दो कलर देखने को मिलेगा एक तो यहाँ पे रेड कलर है एंड दूसरा अपना ब्लू कलर जो कि आप लोग देख सकते हो ऑटोमेटिक ये कलर यहाँ पे चेंज होता है ठीक है। बाकी आप सभी को ये वाला फिस्ट का स्किन अपना रैंपेज इवेंट जब आ जाएगा तो उसी दौरान आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब आप लोग करीब इस वाले फिस्ट को निकालने के लिए ना करीब आप लोग 800 से 900 डायमंड आप लोग रेडी होना चाहिए। ये वाला फिस्ट का स्किन आप लोग अपने फेडेबल इवेंट में देखने को मिल सकता है हो सकता है आप लोगों को वे इवेंट में देखने को मिल जाए। यहाँ पे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज अपने फेडेबल इवेंट में आने की सो ऐसा भी हो सकता है आप लोग को वेब इवेंट में देखने को मिल भी सकता है नहीं भी देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज फेडेबल इवेंट में आने की जैसे कि अपना रैंपेज इवेंट आ रहा है सो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज एंड प्रेडिक्शन वगैरह निकल के आ रही है कि अपना जो ये M1040 का रिटर्न इनक्यूबेटर है ये आप लोग को रिटर्न बैक देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये वाला इनक्यूबेटर भी रैंपेज थीम पर बेस्ड है और यहाँ पर जितने भी रैंपेज थीम पर रिवॉर्ड है ना यहाँ पे रिटर्न आ रहे हैं। तो कैसे अपना ये वाला इनक्यूबेटर भी आप लोगों को रिटर्न बैक देखने को मिल सकता है जैसे अपना रैंपेज इवेंट स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे अगर यहाँ पे ऑडियंस वगैरह काफी ज्यादा वैसे तो डिमांड है ही है अगर घृणा यहाँ पे थोड़ा सा भी एक्टिवनेस दिखा देती है तो कैसे ये वाला इनक्यूबेटर आप लोगों को जरूर से अपने रैंपेज इवेंट के दौरान रिटर्न बैक देखने को मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा आप लोगों से यही कि अपना डायमंड्स वगैरह आप लोग अभी से रेडी करके रख लो क्योंकि आप लोगों करीब यहाँ पे 20 से लेकर 25 दिन के अंदर ही अपना ये वाला इनक्यूबेटर रिटर्न बैक देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग कन्फर्म न्यूज दे रहा हूँ यहाँ पे कोई भी कन्फर्म न्यूज निकल के नहीं आ रही है अपना ये वाला इनक्यूबेटर रिटर्न आएगा ही आएगा इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन न्यूज नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को रिटर्न देखने को मिल भी सकता है नहीं भी देखने को मिल सकता है क्योंकि अपना ये वाला इनक्यूबेटर रैंपेज थीम पर बेस्ड है सो यहाँ पे रैंपेज इवेंट आ रहा है तो पॉसिबिलिटी हो रही है कि अपना रैंपेज थीम पर बेस्ड है सो यहाँ पे रैंपेज इवेंट के दौरान आप लोग को ये वाला इनक्यूबेटर रिटर्न बैक देखने को मिल भी सकता है नहीं भी देखने को मिल सकता है। बाकी मैं आप लोगों को कन्फर्म तो नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे भाई तूने कन्फर्म बोला था नहीं है सो इसलिए मैं आप सभी को कन्फर्म न्यूज नहीं दूंगा। मेरे भाई काफी ज्यादा टाइम हो रहा है बारी आगे अपडेट देने के बाद 12 बजे के बाद आप सभी को अपने फ्री फायर में कौन सा इवेंट या फिर कौन सा अपडेट देखने को मिलेगा। तो कैसे आज 12 बजे के वैसे तो यहाँ पे कोई खास अपडेट नहीं कोई बड़ा अपडेट नहीं आने वाला है। कल की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जो भी चुनाव अपडेट दिया था ना वो यहाँ पे 101% आया है तो इस बात वीडियो को एक लाइक कर देना मेरे। बाकी यहाँ पे आज वाले वीडियो में कोई खास चुनाव अपडेट नहीं है लेकिन कैसे अपना जो ये एवोल्यूशन आया इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये वाला यहाँ पे आज 12 बजे का चला जाएगा अपना ये वाला फेडेबल इवेंट है ना आज 12 बजे का चला जाएगा एंड यहाँ पे हो सकता है आप लोग अपना वेब मॉडल पे डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल सकता है एंड ऐसा हो सकता है अपना जो डायमंड है ना उस पर भी आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। मैं प्रोडक्शन लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे करीब 2 ही दिन बचे अपने डायमंड रोल को लेकर सो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है कि अपना जो डायमंड रोल पे आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिल सकता है नहीं तो अपने वेब पोर्टल पे डिस्काउंट पर आ सकता है। आज की अपडेट वोट आप सभी को कैसे लगा आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन हो जैसे कि इन मैंने क्वेश्चन किया था ना वैसे अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करना आप लोग भाई आप लोग कमेंट करें आप सभी को 100% मिलेगा एंड वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके लेना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना। मैं तो किसी और नए अपडेट वोट में तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।